जगदलपुर में फिर सनातन में वापसी की है लोगों ने। तीन परिवार के 20 लोगों की घर वापसी हुई है। ईसाई धर्म छोड़ हिंदू धर्म में लौटे हैं। सभी को पूजा पाठ कर घर वापसी कराया गया। ग्रामीण लगातार अपने मूल धर्म में लौट रहे हैं। मांझी, पुजारी, पटेल, कोटवार के समक्ष घर वापसी की गई है। तो वहीं रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। शहीदों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात की गई है और वो भी 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। शहीद जवानों के परिजनों को ये रकम मिलेगी। टेकलगुड़ेम में नक्सलियों से मुठभेड़ का ये पूरा मामला है, जब इस मुठभेड़ के दौरान 3 जवान शहीद हो गए। अब शहीदों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। अतिरिक्त सहायता के रूप में ये रकम मिलेगी। विष्णुदेव साय ने कहा कि परिवार के हर बुरे वक्त में हम उनके साथ खड़े रहेंगे और परिवार के प्रति संवेदना विष्णुदेव साय ने व्यक्त की थी। अब एक बड़ा ऐलान उनका, टेकलगुड़ेम में नक्सली मुठभेड़ में जिन 3 जवानों को देश ने खोया है, उनके परिवार वालों के लिए अतिरिक्त मदद के तौर पर 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं वीडी साय कोरिया के दौरे पर हैं और इसी के साथ उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में मुख्य रूप से महिलाओं, अन्नदाताओं पर फोकस किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना का विशेष प्रावधान किया गया है। हम स्वयं उनसे जाकर मिले हैं और आज भारत सरकार का, आदरणीय मोदी जी का अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ है और इस बजट में मुख्य रूप से हमारे देश की महिलाओं, अन्नदाताओं, युवाओं और गरीबों पर विशेष फोकस किया गया है। और जिस तरह से मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनको आवास की समस्या होती है, उनके लिए विशेष आवास योजना का प्रावधान रहेगा। और इस बीच वाराणसी से एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के बाद अब आम लोगों को भी दर्शन कराया जा रहा है। बाहर से ही श्रद्धालु झांकी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लंबे समय का जो इंतजार है वो खत्म हो गया। आखिरकार जो श्रद्धालु हैं वो ज्ञानवापी परिसर में पहुंच रहे हैं और वो दर्शन भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात ये और बहुत बड़ी जीत है ये हिंदू पक्ष के लिए। व्यास जी के तहखाने की कई ऐसी कहानियां हैं जो ग्रंथों और पुराणों में भी कहा गया है। इस बैरिगेटिंग को रातों रात तोड़ा गया। नंदी जी की के जो ठीक सामने इस बैरिगेटिंग को तोड़ा गया है और यहाँ पर व्यास जी का तहखाना है। इसी तहखाने में दर्शन पूजन के लिए अब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पूजा पाठ का अधिकार व्यास परिवार को सबसे पहले मिला और वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और व्यास परिवार को पूजा की इजाज़त दी है। कोर्ट ने एक दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद सुनाया गया फैसला। दक्षिण परिसर की तरफ ये तहखाना है। ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण तरफ ये तहखाना पड़ता है। तहखाने के अंदर व्यास परिवार पीढ़ियों से पूजा अनुष्ठान और कथा आदि करवाते थे। व्यास परिवार की तरफ से कोर्ट में दावा किया गया कि करीब 1559 से उनके पूर्वज तहखाने में कर्मकांड क्या करते थे। व्यास परिवार के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार 1993 तक पूजा की जाती रही, लेकिन जिसके बाद तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा बदली और ये अधिकार उनसे छिन गया था, लेकिन आखिरकार उन्हें दोबारा मिल गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।